Hello everyone. So let's start with the word problems based on linear equation. Previous video में हमने how to solve equation methods देखी थी, how to find number of solutions, infinite, no solution और unique solution वो condition देखी थी और उनके ऊपर finding the value of k for which the system of equation has unique solution or no solution वैसे question solve किए थे. अभी हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस में वर्ड प्रॉब्लम की, जहां पे आपको इक्वेशन खुद फ्रेम करनी होगी और सॉल्व करना होगा. सो बेसिकली क्वेश्चन जो ये होंगे, अगर सिंपल लेवल एग्जाम्स की बात की जाए तो बहुत सारी एग्जाम्स लाइक सीमैट, ठीक है, या स्नैप में कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिख सकते हैं, या थोड़ी और बीबी एंट्रेंस एग्जाम, क्लैट वगैरह की एग्जाम्स होती हैं. यहाँ पे सिंपल लेवल की क्वेश्चन ऐसे पॉसिबल आ सकते हैं जो बिना इक्वेशन बनाए ऑप्शन से आंसर निकाले जा सकते हैं. तो ऑप्शन का अप्रोच भी हम समझेंगे कि बहुत सिंपल सी कंडीशंस होती हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस ऑप्शन से बन जाते हैं, तो वो भी देखेंगे और इक्वेशन फ्रेमिंग भी देखेंगे और इक्वेशन सॉल्विंग भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. हियर इट इज, अ पर्सन सेज 15 ईयर हेंस, 15 साल बाद माई एज विल बी 4 टाइम्स माई एज 15 ईयर्स अगो. पर्सन बोलता है, एक आदमी बोलता है 15 साल बाद मेरी जो एज होगी वो मेरी 15 साल पुरानी वाली एज की 4 गुना होगी. तो प्रेजेंट एज क्या है? तो मान लेते हैं प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है. आप लोग क्वेश्चन ट्राई करते जाइएगा, फिर स्किप, अगर आपका आंसर तुरंत आ जाता है, ठीक है, तो आप स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइएगा, अदरवाइज साथ साथ में सॉल्व करिएगा. तो मान लेते हैं एक्स उसकी प्रेजेंट एज है, तो 15 साल बाद की जो उसकी एज होगी वो होगी एक्स प्लस 15, और जो 15 साल पुरानी वाली एज होगी वो कितनी होगी, x माइनस 15. कंडीशन क्या लिखा है कि 15 साल बाद वाली जो एज है वो 15 साल पुरानी वाली एज की 4 गुना है. दैट मींस x प्लस 15 जो होगा वो 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 15 होगा. सो व्हेन यू सॉल्व आपको मिल जाता है x प्लस 15 इज 4x माइनस 60, यू विल गेट 75 इज इक्वल्स टू 3x और x की वैल्यू आ जाती है 25, यानी प्रेजेंट एज जो रहा होगा वो 25 रहा होगा. तो क्वेश्चन करने का एक अप्रोच तो ये रहा कि आप स्ट्रेट अवे इक्वेशन बनाइए बेसिक और सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. दूसरा अप्रोच ये हो सकता है कि आप अगर इक्वेशंस नहीं बनाना चाहते हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक ऑप्शंस, आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं. तो ये पूरा पार्ट रिमूव करता हूं मैं. सो लेट्स से प्रेजेंट एज 15 होती, तो बताइए 15 साल की एज अगर अभी है तो 15 साल बाद की एज क्या होगी, 30, 15 जोड़ दिया, और 15 साल पहले कितनी रही होगी, 0. तो ये तो गड़बड़ है, ये तो 4 टाइम्स नहीं आ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता. फिर अगर हम थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं तो 15 साल बाद वाली एज 35 होगी और 15 साल पहले वाली एज 5 साल होगी, तो क्या ये 4 टाइम्स है, नहीं 7 टाइम्स है, ये तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, है ना. इन दिस वे अगर आप ऑप्शन नंबर सेकंड ट्राई करेंगे कि 15 साल बाद का एज क्या होगा 40 और 15 साल पहले वाला क्या होगा 10, तो क्या आपको ये दिख रहा है 4 टाइम्स, 10 का 4 टाइम्स, यस, दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25 इज द प्रेजेंट एज. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट इज वेरी फंडामेंटल अगेन. द कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स 5 टेबल्स इज 41,000, द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर्स 3 टेबल इज 23,000. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड ईच टेबल रिस्पेक्टिवली. सो ये तो आपको स्कूल लेवल से सिखाया जाता है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी जरूरत वैसे है नहीं, बट स्टिल ठीक है, देख लेते हैं अपन क्वेश्चन करना कैसे वो समझते हैं. सो 4 चेयर, मान लेते हैं चेयर की कॉस्ट एक्स है तो 4x, और टेबल की कॉस्ट वाई है तो 5y is equals to 41,000. फिर cost of 2 chairs मतलब कि 2x, 3 tables मतलब कि 3y is equals to 23,000. ये हमें दो equations दी हुई है. two equations, two variable can be easily solved. ठीक है, तो multiply करते हैं 2 का, इससे variable of x same हो जाएगा, तो 4x plus 6y 46,000 आपको मिल जाएगा when you multiply by 2. और आपका पहला equation तो as it is था, 4x plus 5y is 41,000. सब्ट्रैक कर दीजिए, माइनस 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 कट हो गया, y का वैल्यू आ गया 5,000. यानी आपका जो टेबल है वो 5,000 रुपए का है. किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं या 1 में डाल देते हैं, कहीं भी डाल देते हैं, तो यू विल गेट 2x plus 3y मतलब हो जाएगा 15,000 is equals to 23,000. यू गेट 2x is equals to 8,000. एक्स की वैल्यू आ जाती है 4,000. चेयर 4,000 रुपए की है और टेबल 5,000 रुपए का है, राइट. रिस्पेक्टिव कॉस्ट पूछी थी, हम निकाल ली यहाँ पे. लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज, इन अ फ्रैक्शन
फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं और आप इक्वेशन भी फ्रेम कर सकते हैं। तो पहले हम इक्वेशन फ्रेमिंग करेंगे फिर ऑप्शन पे जाएंगे। इन अ फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 2/3, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है समथिंग अपॉन समथिंग, एक्स अपॉन वाई फॉर्मेट। तो मान लेते हैं न्यूमरेटर एक्स है डिनोमिनेटर वाई है, तो कंडीशन दी हुई है न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 4 छोटा है, या उल्टा बोल दीजिए कि डिनोमिनेटर 4 बड़ा है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर यू विल राइट एक्स अपॉन एक्स प्लस 4 और व्हाट यू कैन राइट, यू कैन राइट वाई माइनस 4 अपॉन वाई, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से अगर 4 ज्यादा है तो उल्टा बोल दीजिए आप कि दैट मीन्स डिनोमिनेटर 4 बड़ा है। तो एक्स अप और एक्स अप प्लस 4 हो गया। व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ऊपर भी 1 ऐड किया तो एक्स प्लस 1 हो गया, जब नीचे 1 ऐड किया तो एक्स प्लस 5 हो गया। द फ्रैक्शन बिकम 2/3, लेट्स सॉल्व इट। तो आपको मिल जाएगा 3x प्लस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस 10, x इज इक्वल टू 7। नाउ वंस यू गेट x तो फ्रैक्शन बहुत इजीली आ जाता है, 7 अपॉन 7 प्लस 4 दिस गिव यू 7 अपॉन 11। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, राइट। Now, let's say, अगर कोई और अप्रोच की बात करते हैं, we can straight away go by options. So, 2/6, which is actually 1/3, but ठीक है, इन्होंने shortest form में convert नहीं करा हुआ है, mostly answer तो नहीं होना चाहिए। क्या denominator 4 ज्यादा है या numerator 4 कम है? Yes, 2/6 में check करते हैं, तो denominator 4 ज्यादा है, but when you add 1 in both numerator and denominator, ये 2/3 नहीं बनता है, that's why answer नहीं हो सकता। 4/9, क्या denominator न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है? नहीं, ये तो वैसे रूल्ड आउट हो गया, राइट। लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 3/7, क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 4 ज्यादा है? यस। अगर आपने 1 1 ऐड किया तो क्या ये 2/3 आया? नहीं आया, तो ये भी आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है 7/11। तो बस ये ऐसे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आपने देखा कि 7/11 है, ये 4 ज्यादा है, डिनोमिनेटर 4 एक्स्ट्रा है, यस। इफ यू एड 1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या ये 2/3 बनता है? यस, बन जाता है, व्हेन यू कैंसिल बाय 4। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है वो 7/11 रहा होगा। फंडामेंटल क्वेश्चन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चीकू। चीकू हैज 18 कॉइन्स इन हिज पर्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 रुपी एंड 2 रुपी कॉइन। चीकू के पास 1 रुपए के और 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं? 18। तो मान लेते हैं एक्स रुपीज, एक्स 1 रुपए वाले हैं और वाई 2 रुपए वाले हैं, दोनों मिला के उसके पास 18 कॉइन है। द टोटल अमाउंट विथ हिम इज 24, टोटल अमाउंट 24 है, फाइंड द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन विथ हिम। तो उसके पास 1 रुपए के कितने सिक्के हैं? तो आपको पता है कि अगर 1 रुपए के x सिक्के उसकी वैल्यू बनेगी x, 2 रुपए के अगर y सिक्के उसकी वैल्यू बनेगी 2y, और ये आना चाहिए 24, है ना, बिकॉज बैंक की स्लिप भरते होंगे तो देखा होगा आपने कि 2000 रुपए के कितने नोट है, 1000 रुपए के कितने नोट है, 500 रुपए के कितने नोट है, 1000 का तो नोट नहीं है, 500 के कितने नोट है, एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीप्लाई करते हो ना वैल्यू निकालने के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने, अगर आपके पास डिनोमिनेशन पता है और करेंसी का काउंट पता है तो फिर हम स्टेट अवे निकाल सकते हैं कितना उसका अमाउंट बनेगा। तो मैंने x इंटू 1 कर दिया एंड 2 इंटू y कर दिया, तो अमाउंट आ गया। आई हैव टू इक्वेशंस, इफ यू सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा माइनस y इज माइनस 6 और y इज इक्वल टू 6, और y का वैल्यू 6 आया था तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 6 है, ये आपका आंसर, राइट। 18 कॉइन भी हो गया, वैल्यू चेक करोगे तो वैल्यू 24 भी आएगी। अब इसमें एक और चीज मैं समझाना चाहता हूं आपको कि इसको हम ना एलिगेशन का जो रूल होता है, रूल ऑफ मिक्सचर, वैसे भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कैसे, तो बहुत ध्यान से देखिए, रूल ऑफ एलिगेशन अगर आपने पढ़ा है, रूल ऑफ मिक्सचर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियो में जाकर देखिएगा, वहां पर भी ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं। तो मान लेते हैं अगर सारे के सारे 18 कॉइन 1 रुपए वाले होते तो कितने रुपए बनते? तो 18 रुपए बनते। और सारे कॉइन 18 कॉइन अगर 2 रुपए वाले होते तो कितने रुपए बनते? 36 बनते, 18 2 जा, लेकिन आपके पास है कितने? 24। वो कैसे आए? बिकॉज मिक्सअप है ना दोनों का। तो बस ये डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए, ये डिफरेंस यहाँ लिख दीजिए, आपको सिक्को का रेशियो मिल जाएगा, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 6, मतलब कि 2:1। तो 18 कॉइन को अगर आप 2:1 में डिवाइड करते हो तो यहाँ जाता है 12, यहाँ जाता है 6। ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग शॉर्टकट, ठीक है।
चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एट अ सर्टन प्लेस देयर आर सम पीकॉक एंड सम लायंस, कुछ पीकॉक है और कुछ लायंस है। द नंबर ऑफ हेड्स इज 50 एंड द नंबर ऑफ लेग्स इज 130, फाइंड द नंबर ऑफ पीकॉक्स एंड लायन। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा सवाल है ये। क्वेश्चन करने का जो अप्रोच मैं बताना चाहता हूँ वो इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन तो बना ही लेंगे, बट ठीक है हम इक्वेशन भी बनाना सीखते हैं कि क्या बनेगी। मान लेते हैं पीकॉक है आपके टोटल मिला के एक्स, और मान लेते हैं यहाँ पे लायंस है वाई, तो हेड काउंट कितना है सबका 50, यानी टोटल मिला के 50 एनिमल है। तो जितने पीकॉक है जितने लायन है ये मिला के 50 है। पीकॉक के होते हैं दो पैर, तो नंबर ऑफ लेग्स की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 का, तो 2x लेग्स हो जाएंगे। लायन के होते हैं चार पैर, तो करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई, तो टोटल x 4y हो गए। व्हेन यू ऐड बोथ ऑफ देम आपको कितना मिलना चाहिए 130। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? यस, वेरी इजीली। आप चाहो तो पहले इसको छोटा कर लो, बिकॉज 2 से डिवाइड होता है, तो आई कैन से x प्लस 2y 65 आ गया, और आपका एक इक्वेशन था x प्लस y 50 है ना, पहला क्वेश्चन था। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y का वैल्यू 15 आ जाएगा, दैट मींस लायंस 15 थे और बचे हुए 35 पीकॉक थे, तो लायंस की वैल्यू 15 आ गई, पीकॉक की वैल्यू 35 हो गई, राइट? क्वेश्चन करने का एक अप्रोच। दूसरा अप्रोच, आप मेंटली सोचिए कि अगर मान लेते हैं सपोज ऐसा दिया होता कि 50 एनिमल है, आपके पास 130 लेग्स है, एक काम करो सब एनिमल को दो 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 लेग्स बांट दो। हमने कितने लेग्स बांट दिए? 100, क्योंकि सबके एटलीस्ट दो पैर तो होते हैं ना, सबको दो दो बांट दिए, तो 100 लेग्स बांट दिए। पीकॉक का काम तो हो गया, पीकॉक के दो ही होते हैं, पीकॉक को दो मिल गए, भाग गया पीकॉक। हमारे पास कितने लेग्स बच गए? 130 लेग्स थे, 100 बांट दिए, 30 बच गए। ये 30 लेग्स किसके हैं? लायंस के, क्योंकि लायंस को दो ही मिले अभी तक, तो दो ऑलरेडी बांट दिया है, तो 30 बचे हुए दो दो और बांटने पड़ेंगे, तो कितने लायंस से बांट पाएंगे? 15, करेक्ट, दैट्स इट, 15 हमारे लायंस थे, राइट? क्या करा हमने कि 50 एनिमल थे, सबको दो दो बांट दिए, तो कितना आ गया? 100, कितने बच गए? 30, किसके हैं? लायंस के, क्यों? क्योंकि पीकॉक के दो ही पैर होते हैं, पीकॉक दो लेके भाग गए, तो अभी 30 लेग्स दो दो करके और कितने लाइन में बांट पाओगे? 15 लाइन में बांट पाएंगे ना, बिकॉज दो दो क्यों बांटना है, क्योंकि दो पहले से दे दिए, तो 15 लाइन्स रहे होंगे। ये क्वेश्चन पार्किंग लॉट के हिसाब से भी कई बार पूछा जाता है कि पार्किंग में कुछ टू व्हीलर्स हैं और कुछ फोर व्हीलर्स हैं, तो टू व्हीलर्स में दो टायर होते हैं, फोर व्हीलर में चार टायर होते हैं, ऐसे इस क्वेश्चन को व्हीकल्स के ऊपर भी फ्रेम किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, फंडामेंटल एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाता है। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चंस, फॉर एवरी करेक्ट आंसर स्टूडेंट गेट 4 मार्क्स, एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क इज डिडक्टेड। इफ अ स्टूडेंट अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चन एंड ही स्कोर 240 मार्क्स, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही डिड रॉन्ग। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे करना है वो समझ लेते हैं कि भाई क्वेश्चन आए 100, बच्चे ने सारे कर दिए, तो इसमें से कुछ तो रहे होंगे उसके राइट और कुछ रहे होंगे उसके रॉन्ग। तो मान लेते हैं राइट हुए x और रॉन्ग हुए y, तो आई कैन से x प्लस y इज इक्वल टू 100, और मैं रॉन्ग वाले को 100 माइनस y भी ले सकता था, ठीक है, मैंने दो वेरिएबल लगा लिए। फिर अगर मान लेते हैं राइट वाले पे चार नंबर मिलते हैं, तो जितने क्वेश्चन राइट करेगा उसमें करना पड़ेगा 4 का मल्टीप्लाई, एक क्वेश्चन राइट 4 नंबर, दो क्वेश्चन राइट 8 नंबर, 50 क्वेश्चन राइट 200 नंबर, तो राइट करने के चार मिलते हैं, गलत करने का एक कट जाता है, तो कितने मार्क्स स्कोर करेगा वो? 4x तो अर्न करेगा लेकिन y वो लॉस कर देगा, तो उसके मार्क्स कितने आए? 240 आए। कैन वी सॉल्व दीस टू इक्वेशंस? वेरी इजीली, एडिंग बोथ ऑफ देम, क्योंकि y का साइन अपोजिट है, y ऑटोमेटिकली कट हो गया, तो 5x की वैल्यू 380 आ गई, सॉरी 380 नहीं 340 आ गई, 340, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 68, है ना, कैसे आ गया? 340 डिवाइड बाय 5, कैसे करते हैं डिवाइड बाय 5? ऊपर डबल करते हैं, नीचे भी डबल करते हैं, तो 68 आपका तुरंत आंसर आ जाता है। डिवीजन बाय 5 क्या कैसे करते हैं? जिसको भी डिवाइड करो डबल करो जीरो हटा दो, जीरो नहीं है तो पॉइंट लगा दो, एक डेसिमल शिफ्ट कर दो, तो आपका आंसर आ गया 68 क्वेश्चन उसने राइट किए होंगे, तो रॉन्ग वाले कितने बच गए? रॉन्ग वाले 32। क्वेश्चन करने का पहला अप्रोच, ठीक है, क्वेश्चन करने का एक अप्रोच और भी, वो भी देख लेते हैं। दूसरा अप्रोच ये है कि मान लेते हैं सारे क्वेश्चन उसके राइट होते, एक भी रॉन्ग नहीं होता, तो मार्क्स कितने आते?
सारे राइट हो गए, एक भी गलत नहीं हुआ, तो मार्क्स आते 400 400। लेकिन अगर मान लेते 99 राइट आते हो जाते और एक गलत होता, तो उसके मार्क्स कितने आते? जस्ट गिव अ थॉट, थोड़ा सोचो, वीडियो को पॉज करो और फिर अपना आंसर चेक करो कि सही बताया क्या आपने। 99 राइट हुए, एक रॉन्ग हो गया, तो मार्क्स कितने आएंगे? तो मार्क्स आएंगे 395। कुछ लोगों ने 399 सोचा होगा, कुछ लोगों ने 396 सोचा होगा। ये सोचिए कि जो गलत हो गया उसके चार नंबर तो गए, अब क्यों मिलेंगे चार? गलत कर दिया, और गलत किया है तो एक मार्क कट भी जाएगा ना, तो पांच नंबर का नुकसान हो गया। तो ऐसा सोचिए कि एक रॉन्ग करता है तो 5 मार्क्स का नुकसान होता है। तो जिस बच्चे को 400 में से, क्योंकि 100 क्वेश्चन चार नंबर का, एक 400 क्वेश्चन का, 400 मार्क का पेपर था, इसमें से अगर 240 मार्क्स उसने अर्न किए हैं तो गलत कितने हुए? इनका डिफरेंस 160 उसके कट गए। एक क्वेश्चन गलत करता है तो 5 नंबर कट जाते हैं, 160 कटे हैं तो कितने रॉन्ग किए होंगे? 160 / 5 दिस गिव यू 32। 32 क्वेश्चन इस बच्चे ने रॉन्ग किए होंगे, राइट? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? एक तो आपका हो गया इक्वेशन मेथड और एक आपका हो गया लॉजिकल मेथड। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट इज द सम ऑफ अ डिजिट, सॉरी, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। व्हेन 27 इज एडेड टू इट, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस, फाइंड द नंबर। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, अगर नंबर टू डिजिट का है, मान लेते हैं ए बी, तो ए बी डज नॉट रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। क्या रखेगा वो? प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है वो। ए और बी मतलब देयर आर पोजीशंस, ये पोजीशंस है उनकी, जैसे 23 45 65 ऐसे नंबर्स हैं, तो लेट्स से ए बी इज अ नंबर, टू डिजिट नंबर। याद रखिएगा, जब भी हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं वो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के हिसाब से करते हैं। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मतलब, जैसे एग्जांपल बी की बात करते हैं, तो बी कौन सी पोजीशन पर है? वंस पोजीशन पर है, तो वंस पे इसका मतलब बी इंटू वन करना पड़ेगा, और ये कौन सी पोजीशन पर है? 10, तो 10 इंटू ए करना पड़ेगा, और इनको ऐड कर देंगे तो नंबर आ जाएगा। तो वी विल राइट ऑलवेज 10a प्लस बी। टू डिजिट नंबर को हमेशा 10a प्लस बी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल सिंपल सोचो, जैसा बोलते हैं वैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर होता 35, तो क्या बोला मैंने? 35, तो 30 प्लस 5। अगर मैं बोलता हूं 372, जैसा बोला वैसे लिखेंगे 372, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, ये टू वंस पोजीशन पर है, दैट्स व्हाई 2 1s are 2 आया। 10th पोजीशन पे, तो 7 into 10 आया, और 300 पोजीशन पर, दैट्स व्हाई 3 into 100 हुआ। तो याद रखिएगा, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अगर नंबर आपका ए बी है, वी ऑलवेज राइट एज 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, जब भी इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना होगा तब। और ए प्लस बी क्या रिप्रेजेंट करता है? ए प्लस बी डिजिट का जोड़ रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ डिजिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? याद रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। तो मान लेते हैं नंबर आपका ए बी था, तो पहली कंडीशन हो गई कि भैया डिजिट को जोड़ने पे 9 आता है, यानी ए प्लस बी 9 है। व्हेन 27 इट एडेड टू इट, जब नंबर में 27 जोड़ा गया तो उसकी डिजिट्स इंटरचेंज कर लेती हैं अपनी पोजीशंस। नाउ अब ये इक्वेशन वाला काम हो गया, बिकॉज 27 ऐड करना है किस में? नंबर में। हाउ विल यू एक्सप्रेस ए बी? ए बी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 10a प्लस बी। जब इसमें 27 ऐड किया गया तो प्लस 27, तो नंबर ba बन गया, मतलब 10b प्लस a बन गया। तो हाउ विल वी राइट? वी विल राइट 9a माइनस 9b इज इक्वल्स टू माइनस 27, और वी कैन से a माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 3। एक आपका इक्वेशन ये बन गया, एक आपका इक्वेशन ये बन गया। कैन वी सॉल्व इट? वेरी इजीली, इफ यू ऐड बोथ ऑफ देम, तो 2a की वैल्यू 6 आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। वंस यू पुट a इक्वल टू 3 हियर, तो b का वैल्यू आपको 6 मिल जाएगा, नंबर इज 36, ठीक है? क्वेश्चन करने का अप्रोच, इक्वेशंस बनाइए, सॉल्व कीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है? ए बी को 10a प्लस बी लिखा जाएगा, ठीक है? और समीशन डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस जब लिया गया तो 9 टाइम्स ऑफ ए, 9 टाइम्स ऑफ बी आ गया, इज इक्वल टू माइनस 27। तो आपको इक्वेशन मिल के सॉल्व हो गया। ऑप्शन से भी कर सकते थे, बट ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, वो बहुत ईजी है। इंपॉर्टेंट कैच समझिए क्या है। इंपॉर्टेंट कैच ये कि अगर नंबर 10a प्लस बी है, उसका उल्टा 10b प्लस a होता है, तो इनका जो सम होता है
वो 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी होता है, और इनका जो डिफरेंस होता है ना वो 9 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलता हूँ लेट से 81 और 18 का डिफरेंस क्या आएगा, तो सिंपल 9 इनटू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट 7, 9 7 जा 63, ये 63 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, एक नंबर दिया होता 27, इसका उल्टा हो गया 72, इनका डिफरेंस अगर निकाला गया तो 9 टाइम्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स यानी कि 5, तो 9 5 जा 45, 45 इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स। तो ये वही बोल रहा है कि डिफरेंस जो होगा दो नंबर का, अगर एक नंबर ए बी है उसका उल्टा किया, उल्टा मतलब रिवर्स किया, बी ए हो गया, फिर डिजिट को इंटरचेंज किया और अगर सम किया गया तो 11 टाइम्स आ जाता है। इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं समझा देता हूं मैं आपको। यहीं पे क्वेश्चन ये बनता है कि एक टू डिजिट नंबर है, जब द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर एंड ए नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड हाउ मेनी सच नंबर्स एग्जिस्ट। मतलब ए बी और बी ए को जब ऐड करेंगे तो किसी नंबर का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो बताइए कितने सच पॉसिबिलिटीज है। आपको पता है किसी नंबर और इंटरचेंज करने पे बना हुआ सम 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी आता है। अब अगर इसका रूट निकल सकता है दैट मींस ए प्लस बी की वैल्यू भी 11 होनी चाहिए, क्योंकि एक बार 11 आ गया तो पेयरिंग बनने की तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ए प्लस बी 11 होना चाहिए या 22 होना चाहिए या 33 होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 तो आना ही चाहिए। बट दिक्कत ये है कि ए और बी डिजिट्स हैं, दैट्स व्हाई 9 और 9 भी होता तो 9 प्लस 9 18 होता, 22 तो पॉसिबल नहीं है, 33 दूर की बात है। ओनली पॉसिबल आंसर इज कि ए प्लस बी 11 ही होगा। समझिए बहुत ध्यान से, ए और बी डिजिट्स हैं, अगर दोनों 9 9 भी हो जाए तो मैक्सिमम ए प्लस बी 18 आ सकता है, तो 22 बन ही नहीं सकता, तो 11 ही होगा। बस अभी को ये देखना है कि ए प्लस बी 11 कैसे बन सकता है। ठीक है, तो अगर लेट से ए का वैल्यू 9 होता तो 9 में क्या ऐड करेंगे, 11 आए 2, तो 92 और 29 का समीशन 121 आएगा जो परफेक्ट स्क्वायर है। 83 और 38 74 65 56 47 38 29 ये सारे नंबर हैं, सच दैट द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंज ऑफ डिजिट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर अगर बात करें डिफरेंस की, तो डिफरेंस में क्या पूछ सकते हैं कि द डिफरेंस ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको ये याद रखना है कि ये 3 स्क्वायर ऑलरेडी आ गया है, तो ए माइनस बी ऐसा होना चाहिए ताकि इसका हम क्यूब रूट निकाल पाए। अब क्यूब रूट तभी निकल सकता है जब ए माइनस बी एटलीस्ट एक बार 3 आ जाए, यहां पे 3 तो आना ही चाहिए या 3 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। अब 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, यानी या तो 3 × 1 हो जाए या फिर 3 × 4 यानी कि 12 हो जाए। 12 दो डिजिट का डिफरेंस पॉसिबल ही नहीं है, ए माइनस बी कैन नॉट बी इक्वल टू 12। 12 का तो क्या होगा, ये 3 × 4 हो जाएगा तो परफेक्ट क्यूब बनेगा, सॉरी नहीं बनेगा। तो क्या करना पड़ेगा, 3 एक बार आए और साथ में 8 आए तभी परफेक्ट क्यूब बन पाएगा, 24। तो 3 × 8 24, 24 का भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज डिजिट्स का डिफरेंस मैक्सिमम 9 हो सकता है। That means हम चाहते हैं a माइनस बी 3 हो जाए, जैसे ही a माइनस बी 3 होगा नंबर परफेक्ट क्यूब बनना शुरू हो जाएंगे। यू कैन काउंट इस तरीके से जैसे मैंने काउंट किया है। ठीक है, तो 96 इज अ नंबर, ठीक है, कि अगर आपने ये 96 और 69 को डिफरेंस किया ये परफेक्ट क्यूब आएगा 27। वैसे आप और भी नंबर निकाल सकते हैं, कितनी पॉसिबल केस बन सकता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, सेम वेराइटी। द डिफरेंस बिटवीन the digit of a two digit number is 5, difference between the digits of a two digit number is 5, the sum of the number and the number formed by reversing the digit is 110, find the two digit number, that means difference between the digit yani a minus b aapko diya hua hai 5, b minus a bhi ho sakta hai because difference ka matlab hai kaun bada hai kaun chota hai we don't know, to ho sakta hai ki tens digit badi ho ya unit badi ho, I'm not sure, to a minus b bhi 5 ho sakta hai aur ए माइनस बी माइनस 5 भी हो सकता है, क्योंकि बी बड़ा होगा ना तो बी माइनस लिखना पड़ेगा, तो मैंने उल्टा लिख दिया ए माइनस बी माइनस 5। सम ऑफ द नंबर इन द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 110, दैट मींस 10 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी एंड 10 टाइम्स ऑफ बी प्लस ए, बिकॉज ए बी नंबर था तो इंटरचेंज करने से बी ए बन गया। इनका सम 11 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी बनता है जो आपको 110 दिया हुआ है, विच मेक्स ए प्लस बी 10 रहा होगा।
ना वी हैव कंडीशंस कि ए प्लस बी 10 आना चाहिए और ए माइनस बी 5 आना चाहिए. इज इट पॉसिबल? नो इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज 2a का वैल्यू 15 आ गया. सच डिजिट कैन नॉट एग्जिस्ट. ये पॉसिबल ही नहीं कि एग्जिस्ट कर जाए. ठीक है, दूसरा केस अगर a माइनस बी 5 था और a प्लस बी 10 है, इनको ऐड किया तो 2a कितना आ गया 5. ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है. सो आंसर इज नो सच नंबर एग्जिस्ट. ऐसा नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता कि उनकी डिफरेंस ऑफ डिजिट 5 हो और नंबर को और उसके इंटरचेंज करने से नंबर जो बनता है इनको ऐड करने पे 110 भी आ जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. ये पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एज एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड बिजनेस ट्रिक. ओके ठीक है, ये क्वेश्चन पहले देखते हैं. ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ नया लर्निंग मिलेगा, इसलिए पहले सॉल्व करते हैं. A tells B, A B को बोलता है, when I was 3/5 your present age, when I was 3/5 of your present age, you were 5/7 of my present age. ठीक है, there are two person A and B. तो A बोलता है, when I was, यानी मेरी पुरानी वाली एज, when I was 3/5 of your present age, तेरी present age का जब मैं 3/5 था. At that time, you were 5/7 of my present age. ठीक है, so let the present ages are x and y. So, go carefully. A बोलता है, जब मैं तेरी present age का 3/5 था, तो B का 3/5 किया, so 3/5 of y. So, 3/5 of y. जब मैं तेरा 3/5 था, at that time, you were 5/7 of my present age. ये बोला हुआ है. Right? When I was 3/5 of your present age, at that time you were 5/7 of my present age. If the present age of A is 28, अगर present age of 28 है, तो B का age क्या होगा? So let's put it here, यहाँ पे डाल देते हैं. तो X जगह पे डालते हैं 28. X जगह पे 28 डाल दिया, ये हो गया 28 और ये हो गया 5/7 of 28. This give you 20. अब कैसे निकालें? कुछ condition तो दी नहीं है. कुछ कंडीशन और नहीं दी है, बस इतना पता है कि ए की एज 28 है, बी की एज y है. जब ए का एज 3/5 ऑफ y था, उस टाइम बी का एज 20 था. रूल ये है, कंडीशन ये है कि अगर ये दो लोग हैं तो आपको याद रखना है कि दो लोगों की एज का डिफरेंस जिंदगी भर कांस्टेंट रहता है. अगर आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है, जिंदगी भर 5 साल बड़ा ही रहेगा. दोस्त लोगों की एज गैप हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है. दिस कंडीशन आई एम गोइंग टू यूज. So, जो डिफरेंस 28 माइनस वाई आना चाहिए, वही 3/5 माइनस 20 आना चाहिए. मैंने एज गैप निकाल लिया. इधर इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 28 माइनस वाई. और पास्ट में क्या रहा होगा? 3/5 माइनस 20. दोनों का एज गैप हमेशा बराबर रहेगा. व्हेन यू सॉल्व इट, 48 इज इक्वल्स टू 3/5y प्लस वाई. 48 इज इक्वल्स टू 8y/5. वाई का वैल्यू आ जाता है 1 एंड 6, वाई इज 30. ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना रहा होगा? 30 इयर्स रहा होगा. ठीक है, सो ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है ये वाला, या जरूर ट्राई कीजिएगा. इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा. ठीक है, ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ा हो गया है. एंड नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, थोड़े से और अच्छे लेवल पे होंगे. राइट, चलिए, थैंक्स अ लॉट. थैंक यू.